और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू से। जम्मू के पुंछ में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। संदिग्ध लोगों को देखे जाने के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इन लोगों की तलाश की जा रही है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में सजाला गांव के पास देखे गए ये संदिग्ध कौन है, किधर चले गए, इस बारे में हालांकि अभी कुछ और जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन वहां चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कुछ संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबर है और इसी को लेकर सेना ने मेंढर सेक्टर के आसपास अपना सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन कौन है ये लोग और कहां चले गए इस बारे में अभी और जानकारी उपलब्ध नहीं है। सेना का सर्च ऑपरेशन सजला गांव के आसपास चल रहा है जहां पर कुछ संदिग्ध लोगों को देखे जाने की खबर सामने आई और इसके बाद से ही यहां पर लगातार तलाशी अभियान चल रहा है इन लोगों को ढूंढे जाने के लिए, लेकिन फिलहाल इसके आगे और जानकारी नहीं मिल पाई कि ये कौन थे, कहां से ये लोग आए थे और किस तरह की गतिविधियों में वहां पर इन्वॉल्व थे ये लोग, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये खबर आ रही है, संदिग्धों को लेकर तलाश ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन सेना ने चलाया है। हमारे साथ और जानकारी के साथ जम्मू से रमन सैनी इस वक्त जुड़ गए हैं। रमन, कौन लोग थे, क्या अभी कुछ जानकारी आप तक पहुंच पा रहे हैं और किस वजह से संदिग्ध लगे, ये क्या हुआ? जी मैं देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मेंढर इलाका है, मेंढर सेक्टर का सजला गांव है, वहां पर सुबह 5 बजे के करीब में जो गांव वाले हैं और जो एसपीओ जो पुलिस की कॉन्ट्रैक्चुअल टीम होती है उन्होंने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट की खबर आर्मी को दी थी और आर्मी ने हालांकि किसी तरह का कोई चांस ना लेते हुए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और घुसपैठ के प्रयास हो रहे हैं, तो उसको उसको नजरअंदाज ना करते हुए एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। उसके बाद मेरी 16 कोर में और सेना के प्रवक्ता से भी बात हुई है, हालांकि उन्होंने कहा कि एक रूटीन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उस इलाके में, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां अभी बनी हुई हैं चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसमें किसी तरह का चांस जो है वो सेना नहीं लेना चाहती है, लेकिन करीब 4 से 5 घंटे ऑपरेशन चला है लेकिन उसके बाद अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मीनाक्षी, चलिए शुक्रिया रमन आपका इस जानकारी के लिए, अपडेट्स आपसे हम आगे लेते रहेंगे। पोरबंदर के पास पाकिस्तानी बोट मामले में आज रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने बड़ा खुलासा किया। मनोहर पारिकर ने कहा कि पाकिस्तान की एक नहीं बल्कि 2 नाव थी। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के मुताबिक कोस्ट गार्ड की कार्रवाई में एक बोट पर सवार आतंकियों ने तो खुद को विस्फोट से उड़ा लिया, जबकि दूसरी बोट पहली बोट को जलता देख आगे नहीं बढ़ी। अब सवाल यह है कि दूसरी बोट किसकी थी, कौन लोग उसमें मौजूद थे और क्या उस बोट में भी सवार लोग आतंकी थे। सवाल यह भी कि क्या इस बार पाकिस्तान ने आतंक के डबल अटैक की साजिश रची थी। कई सवाल हैं जो इस पूरी घटना को लेकर उठ रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने दूसरी बोट के सवाल पर क्या कहा। तो रक्षा मंत्री ने इस बात को कंफर्म किया कि ऐसा था, 2 बोट थी, लेकिन इसके आगे की और जानकारी जो वो नहीं मिल पाई। लेकिन रक्षा मंत्री के बयान के बाद भी आज मामले पर सियासत नहीं रुकी। कांग्रेस ने कहा रक्षा मंत्री पहले सबूत दें, तो सीपीआई बोली सरकार कहती कुछ है और सेना कुछ और। देखिए, सवाल कोस्ट गार्ड का नहीं है, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, देश को पूरी सच्चाई पता चलनी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि वो अपने आप को क्यों उड़ा देते, इस बात का सबूत नहीं है। ये भी एक खबर है कि उसके अंदर स्मगलर्स थे, शराब आ रही थी, शराब के अंदर आसानी के साथ आग लग जाती है, लेकिन इस पे किसी तरीके की राजनीति करना बिल्कुल उचित नहीं है। जिस तरीके की जबान भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बारे में बोल रही है, ये उचित नहीं है। सेना के तरफ से जारी विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि ये बोट कैसी है, ये आतंकवादियों की है या किसकी है, मछुआरों की है, लेकिन यहां पर ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए गए और भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मालूम पड़ता है कि पूरी एक लड़ाई का पूरा परिदृश्य खींच दिया। सरकार कुछ बोल नहीं रही है, बीजेपी बोल रही है, अब तो लगता है कि बीजेपी के हाथ में सरकार की नीति बनाने का भी और उसको जनता के बीच में ले जाने का अंतिम निर्णय हो गया है। ये देश के लिए बहुत दुखद स्थिति है।